थे कि लोग हमारी फिल्म को अंडरस्टैंड करें, ऐसा नहीं सिर्फ देखने के लिए आए और चले गए घर. दे अंडरस्टूड द रीज़न वाई दिस फिल्म वॉज मेड एंड वॉट मैसेज वी वॉन्टेड टू ब्रिंग अक्रॉस, विच इज़ वॉट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस. रिलीज़ के दौरान तो मार्च 3rd को UK रिलीज़ होगा, उसके बाद USA, फिर आएगा यहाँ इंडिया में. So the ones who got to see it today, they're the lucky ones. But most definitely, it is a movie that hopefully we will even dub in regional languages here. क्योंकि ये topic ही ऐसी है, सब लोग को देखना चाहिए. आजकल जो depression का cause है, बहुत हम लोग discuss करते हैं. काफ़ी incidents हो गए suicidal tendencies के बच्चों के, और due to communication gap between the parents and the kids, you know, these kind of incidents occur a lot. So इस उस एक factor को highlight किया गया है, और I think बहुत ही beautiful nuances है फिल्म में जो कि दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं. और फिल्म जो उन्होंने जिस तरीके से बनाई है वो बहुत ही रियलिस्टिक एक तरीके से बनाई, मेलो ड्रामा बिल्कुल नहीं था फिल्म में, विच इज़ वॉट आई लव्ड अबाउट द फिल्म. और जैसे कि मैंने कहा, बहुत सटल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और दर्शाया गया है. उनकी आई थिंक फर्स्ट फिल्म थी, जो डायरेक्टर थे उनकी फर्स्ट फिल्म है. शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्म बैकग्राउंड, सो उस चीज़ को मद्देनजर रखते आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल एफर्ट. एंड परफॉर्मेंस इज ऑफकोर्स बोथ द एक्टर्स डिड अ ग्रेट जॉब. आई थिंक अली खान एंड सुचित्रा पिल्लई वर फैंटास्टिक. सो या ओवरऑल इट्स अ गुड फिल्म.